हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम माई यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितुन्सा। गाइज, मुझे उम्मीद है आपकी क्लासें बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो चलिए आज फिर से मैं आपको एक बार सर्कुलर प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग बताती हूँ बहुत ही आसान से तरीके में। दोस्तों, अगर ये भी कटिंग आपने देख ली ना तो आपको सर्कुलर प्लाजो तो किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। ये बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है। तो ये मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया था दोस्तों, इसको मैंने उल्टा कर लिया है और अब हम इसको ट्रायंगल शेप में बिछा लेंगे। दोस्तों, हमने इसको ट्रायंगल शेप में बिछा लिया है और अब हम इसका जो पूरा मेजरमेंट है वो लेंगे। इसका पूरा मेजरमेंट हम हिप के अकॉर्डिंग ही लेंगे, इनके आसन और इसकी जो ये चौड़ाई है वो। तो हम इसकी चौड़ाई, जैसे कि हमारी हिप है 40 इंच, तो उस हिसाब से ही लेंगे। 40 इंच है तो उसका हम 1/4 हिस्सा करेंगे, यानी कि हो गया 10 इंच। 10 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। जैसे कि हमने नीचे से देखा कि हमारा एक बराबर कपड़ा है, यहाँ से हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। इसके बाद हम यहाँ से, जैसे कि जहाँ हमारी ये बिल्कुल कॉर्नर है, यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा 14 इंच है। 14 इंच पर हम निशान लगा लेंगे पूरे राउंड पर। इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। ये हमने निशान लगाया, उसके बाद हम इसको माप कर देखेंगे कि हमारा कितना हुआ है। तो ये हमारा 11 इंच के करीब हुआ है और इतना ही हमने रखना है, क्योंकि हमने जैसे कि 10 इंच हमारी हिप है और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा प्लस करेंगे तो हमारा ये 11 हो गया। तो फिर ये हम यहाँ से लेकर के और 11 इंच पर निशान लगा देंगे। ये हमारा 11 इंच पर निशान हो गया, क्योंकि वैसे हम चाहें तो जैसे कि जितनी हमारी हिप है उतना ही हम ले सकते हैं, यानी कि 40 है तो 40 हम यहाँ से लेंगे, यानी कि 10 इंच। तो फिर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया, कुछ तो ये कॉटन का फैब्रिक है और कुछ, जैसे कि हाँ कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं पहले ऐसे भी सिलती हूँ कि जितनी भी हमारी हिप प्रॉपर मैं लेती हूँ, तो अब की बार मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है लूजिंग के लिए। वैसे हम, जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, जब भी हम इसको ओपन करेंगे तो ये 1.5 इंच हमारा है वैसे भी ओपन हो जाता है, इसलिए मैं पूरा लेती हूँ तो भी हमारा काम चल जाता है। तो यहाँ तक हमने 11 इंच पर ये निशान लगाया। उसके बाद हम जैसे कि लेंथ का निशान लेंगे, तो हमने ये लेंथ का निशान यहाँ से लेना है जहाँ से हमने ये राउंड शेप दी है। तो 1 इंच हमने बेल्ट का कटा देना है और जितनी हमने लेंथ रखनी है, जैसे कि लेंथ मैंने 36 इंच रखी है, तो 1 इंच मैंने माइनस किया और 36 पर मैंने निशान लगा देना है। नीचे मैंने इसके पिको करनी है, इसलिए 36 जितना प्रॉपर हमारा तैयार होता है उतना ही हम रखेंगे। तो ये हमने 36 पर निशान लगाया, ये मैंने 1 इंच ऊपर से माइनस करके निशान लगाया है। इसके बाद हम पूरे राउंड पर निशान लगाएंगे। ये मैंने यहाँ पर सीजर्स रखी और उसके बाद जैसे कि जितना हमारा निशान हुआ है, सीजर्स हमने वहां पे रखनी है जहाँ हमारी नोक बनी हुई है। तो ये मेरा 48 प्लस हुआ है कुछ, तो यहाँ से हम 49 लेंगे। 49 पर हम जगह जगह निशान लगाएंगे पूरे राउंड पर। जैसे कि मैंने पूरे राउंड पर ये निशान लगा लिया है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हम यहाँ से करेंगे जहां से मैंने ये निशान लगाया था, और उसके बाद एक कटिंग हम यहाँ से भी इसकी कर देंगे। कई बार फ्रेंड्स आपका सवाल होता है कि हमारा जो सर्कुलर प्लाजो होता है वो इस साइड से लंबा हो जाता है और उस साइड से ऊंचा हो जाता है, तो आप अच्छे तरह से उसको जब अच्छे तरह से सेट करके फैब्रिक को बिछाओगे तो वो ऐसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब जैसे कि कई बार क्या करते हो कि जैसे बिछाते हो इसको इस तरह से, तो यहाँ से है ना ये लूजिंग रह जाती है, यहाँ से लूजिंग रहती है। तो जब हम ये यूरेब में तो कपड़ा होता ही है, हम इसको सीधा करते हैं तो ये लटक जाता है। तो आप इसको जब भी बिछाओ तो इसको अच्छे से इस तरह से हिला करके अच्छे से सेट करके फिर बिछाया करो, ताकि जितनी भी इसकी लेंथ में लर्जिंगपन है जो वो निकल जाए। तो पहले से ही आप ध्यान रखा करो। उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ से भी इसकी कटिंग कर दी है, इसके बाद यहाँ पर जो ज्वाइंट आएगा, कई बार आप ये भी पूछते हो कि ज्वाइंट सर्कुलर प्लाजो में क्यों आता है, विदाउट ज्वाइंट के भी क्या हम सर्कुलर प्लाजो में के भी सर्कुलर हो, बट उसमें क्या होता है, जैसे कि जिसका ये पहना जो पना जिसका चौड़ा होएगा उसमें आप विदाउट ज्वाइंट के बना सकते हो, बट जिसका ये पना जैसे कि 42-41 इतना तक रहेगा तो आप उसमें ज्वाइंट आपको लगाना ही पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखना। जैसे कि हमारी यहाँ तक कटिंग हो गई है, उसके बाद हम आसन लेंगे। अच्छा, आसन हम जैसे कि इस तरह से लेंगे, ये हम इसी के अकॉर्डिंग लेंगे जो हमने हिप का मेजरमेंट इसकी जो ब्रॉड लेने में लिया था, यानी कि चौड़ाई कमर की, उसी हिसाब से हम आसन भी इस हिप के हिसाब से ही लेंगे। जैसे कि हिप हमने ली है 40, यानी कि 40 का हम 1/4 हिस्सा करेंगे यानी कि 10, तो
ये तो हमने इसके हिसाब से 10 1 प्लस यहाँ पर इसकी चौड़ाई ली थी। अब जो आसन लेंगे हम, जैसे कि 10 हो गया इसका फोर्थ हिस्सा, उसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे। तो एक हमने वो ऊपर निकाला ये बेल्ट के लिए, जो बेल्ट हमारी ज्वाइंट होगी तो हमारा यहाँ तक ये हो जाएगा। तो उसके बाद हम 2.5 इंच प्लस करेंगे, यानी कि हो गया 12.5। तो 10 प्लस 2.5 इंच 12.5। तो ये हमने निशान लगा लिया है एक बार। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि हमारा ये जो फैब्रिक है इक्वल है, यहाँ तक हमारा इक्वल आ रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और इस 2.5 के निशान को और जो ऊपर हमने जो 11 इंच पर निशान लगाया था उसके साथ इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। अब इस पर यहाँ पर राउंड शेप देंगे हल्की सी, उसके बाद यहाँ से इसकी कटिंग करके यहाँ तक इसको कट कर देंगे। इसकी भी जो हम ये फिनिशिंग से थोड़ी ही कतर है ये उतार देंगे यहाँ से। अब इसके बाद जैसे कि हमारी यहाँ तक कटिंग हो गई है, शायद आपको समझ भी आ गई होगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर ये ज्वाइंट लेंगे, जो ये हमने जो नीचे से फैब्रिक उतारा था उसी में से ही लगाएंगे। जैसे कि हम ये ज्वाइंट कोशिश करते हैं कि जो हमारी ये कन्नी इधर आई है तो कन्नी इधर ले, तो हम इधर से करके और इधर लगा देंगे। अगर हमारा बाई चांस जैसे कि हमारा यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा, ये कम पड़ रहा है, तो हम इसकी इस तरह से तिरछी कटिंग भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा घेर कम हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि हमें घेर भी पूरा चाहिए और ज्वाइंट भी हमें इसमें चाहिए है, तो आप ऐसे करोगे, जैसे कि यहाँ से ये कम्प्लीट नहीं हो रहा तो आप इसको इस तरह से पलटोगे। इसकी जो अपोजिट साइड है उसको हम लेंगे और उसको इस तरह से नीचे रखते हुए इसके ऊपर ये करेंगे, तो ये कंप्लीट हमारा आ रहा है। तो इस साइड से हम इसका ये ज्वाइंट कट कर देंगे। ये हमने नीचे सेट कर लिया है इसके, और अब इसके राउंड पर से इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। अब जैसे कि हम सबसे पहले जो ये ज्वाइंट है इसको अटैच करेंगे इसके साथ, हमने इसको बीच से भी अलग कर देना है। इसके साथ पहले इसको अटैच करेंगे, जैसे कि हम जो ये ज्वाइंट लगाएंगे हम इस तरह से लगाएंगे, जैसे कि एक हम इसमें ऊपर की नीचे की तरफ जैसे ये लगा दिया, और एक इसमें हम नीचे की तरफ लगा देंगे। जैसे कि हमने ये ज्वाइंट इस तरह से ज्वाइंट कर लिया इसको, और इसके बाद हमने दोनों को जैसे कि ज्वाइंट करने के बाद ये भी हमने इस तरह से ज्वाइंट किया, जैसे कि हमने दोनों ज्वाइंट स्टिच कर लिए हैं ये और ये दोनों इस तरह से। ये हमारे जैसे कि आसन है ये एक एक इनके इससे हो गए जो हमारे थे। अब हम आसन स्टिच करेंगे, तो आसन हम इस तरह से स्टिच करेंगे, ये ऊपर वाले ऊपर के साथ और नीचे वाले नीचे के साथ। और इजी तरीका जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमने इस तरह से एक हिस्सा ओपन कर लिया, और जो दूसरा हिस्सा है उसको हम इसके ऊपर इस तरह से ऐसे रखेंगे, दोनों हिस्से हमें इस तरह से रख लेने हैं ऐसे। और जो ये आसन है इसको हम स्टिच कर देंगे, ये आसन है इसको भी स्टिच कर देंगे, यानी कि इस तरह अंदर की तरफ हमने दोनों सीधे इसे रख के दोनों तरफ से इनको स्टिच कर देना। ये हमने दोनों आसन इस तरह से स्टिच कर लिए हैं, डबल सिलाई हमने इस पर लगा देनी है। इसके बाद हम इनको इस तरह से ओपन करेंगे, ये हमने दोनों जैसे कि ओपन कर लिए इस तरह से। इसके बाद हम एक सिलाई तो हम यहाँ पर जो गिदरी वाला हिस्सा है इस पर लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर एक सिलाई हम यहाँ से पक्की सिलाई लगा देंगे, और ये हमारा हिस्सा हो गया। जैसे दोनों आसन हमारे स्टिच हो गए, उसके बाद इस पर हम ऊपर जो इलास्टिक डालेंगे उसके लिए पट्टी लगाएंगे। ये एक बार मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि ये हमारा, ये मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये 11 इंच लिया था यानी कि 22। तो हमारा जैसे कि ये ज्वाइंट भी स्टिच हुए हैं दोनों तरफ से, उसके बाद भी मैं आपको माप कर बता रही हूँ कि हमारा इतना तैयार बच गया है, क्योंकि ये यूरेप में होता है, ये 23 इंच अब भी तैयार है। इसलिए मैंने जैसे कि 1 इंच लिया, ये कॉटन का फैब्रिक है, फिर भी इसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा है, और अगर हम वैसा दूसरा फैब्रिक होता तो उसमें और भी ज्यादा यूरेप आती है, तो उसमें और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर किसी को टाइट फिटिंग पहननी है तो आप प्रॉपर जितनी हमारी बेल्ट है यानी कि हिप है उसके अकॉर्डिंग जितनी तैयार है उतना ही हम देंगे। जैसे कि हिप 40 है तो हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे तो ये कंप्लीट आएगा, क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा यूरेप में बढ़ जाता है। इसमें मैंने 1 इंच प्लस इसलिए लिया था क्योंकि ये कॉटन है, अगर कोई लूज पहनना चाहे तो उसमें आप 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो जो अब हम वो इलास्टिक के लिए पट्टी लगाएंगे,
वो हमारा जो ऊपर से फैब्रिक कट हुआ था, जैसे ये ऊपर से हमारा फैब्रिक कट हुआ था, तो इसमें से पट्टियां निकालेंगे हम। 4-4 इंच की, 4.25 इंच की पट्टी कट कर लेंगे। ये मैंने पट्टियां कट कर ली हैं, इनको हम जिस तरह के, ये हमारी सीधी है तो इनको सीधी स्टिच करेंगे, और जो हमारी ये यूरेब में है तो इसकी हम यूरेब में ही स्टिच कर लेंगे। आप चाहो तो इनको सीधा भी कर सकते हो और उस तरह से इनको स्टिच कर सकते हो। ये जैसे हम बैक नेक की पट्टी स्टिच करते हैं उस तरह से ही इनको स्टिच कर लेंगे, इस तरह से एक की नोक ऊपर और एक की नीचे, तो ये हमारी पट्टी कंप्लीट हो जाएगी। ये मैं आपको इसके साथ ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। जैसे कि हम इस पर ज्वाइंट कर लेंगे, हम उल्टी तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे और सीधी तरफ इसको फोल्ड करेंगे, जो हमने फा तैयार करेंगे उसका, उसके बाद इसमें इलास्टिक डालेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है आसन के साथ साथ, जैसे कि नीचे गिद्री तक सारा हिस्सा पर, और इसके बाद जैसे कि ये मैंने यहाँ पर पट्टी लगानी है, तो ये पट्टियां मैंने तैयार कर ली हैं इस तरह से, ये मैंने पट्टी इस तरह से तैयार कर ली। इसके बाद इसको हम अपोजिट हिस्से से लगाएंगे, जैसे कि उल्टी तरफ से हम इनको लगाना स्टार्ट करेंगे और सीधी तरफ लेके जाएंगे। ये हमारा सीधा हिस्सा है, ये उल्टा हिस्सा है, तो उल्टी तरफ से हमने दोनों उल्टा हिस्सा रखा है, जैसे कि पट्टी भी हमारी उल्टी है और ये हिस्सा भी हमारा उल्टा है, तो हम पूरे राउंड पर ये सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली, उसके बाद जैसे कि ये हमारे ओपन हिस्से रह गए तो हम यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे और उसके बाद यहाँ तक भी इसको कवर कर देंगे। जैसे कि हमने सिलाई कंप्लीट कर ली, उसके बाद हम इसको इस तरह से करेंगे और इसका हम जो ये सीधी तरफ इसको करके इसका नेफा तैयार कर देंगे इस तरह से। ये हमें इतना नेफा तैयार करते हैं जितना हमारा इलास्टिक इसमें आ जाए, तो इसमें हमने पूरा नेफा तैयार कर देना है। ओपन थोड़ा 2 इंच का हमने ओपन रखना है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये हमने जैसे कि यहाँ तक इसको ओपन रख लेना है इतना सा, ये मैंने ओपन रखा, और इसके बाद जैसे मैं इसका इलास्टिक डालने का मेजरमेंट आपको बताती हूँ। ये जैसे मैंने इलास्टिक लिया है, तो आप कोई भी किसी की कितनी भी बेल्ट हो, ये मेरी बेल्ट जिसकी भी तैयार है वो 33 इंच है, तो मैंने 4 इंच इसमें से माइनस किया है, उसके बाद 29 मैंने ये इलास्टिक लिया है। आप किसी की भी कितनी भी बेल्ट हो उसमें से 4 या 5 इंच माइनस कर देना, कोई टाइट पहनने 5 कर देना और नॉर्मल में 4 इंच माइनस कर देना, और फिर जितना भी हमारा बचे उतना आप इलास्टिक डाल देना। इसके लिए जैसे कि मैंने नेफा तैयार किया, अब हम इसमें सेफ्टी पिन डाल के और इसके अंदर इसको डाल देंगे, उसके बाद यहाँ से भी इसको पक्का कर देंगे। ये हमने पूरे में इलास्टिक डाल दिया है और अब इसको हम इस तरह से स्टिच करेंगे, यहाँ से इसकी पक्की सिलाई। इसको पक्का करके इसके बाद इसको अंदर की तरफ करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे, जैसे कि यहाँ को सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है, अब इसको इक्वल करेंगे चारों तरफ से और इसको इस तरह से उल्टा रखते हुए हम डबल सिलाई लगा सकते हैं, जैसे कि एक यहाँ से और एक एक पैर का मार्जिन ऊपर रखते हुए, बट मैं इसमें सिंगल ही सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से हमने पूरे राउंड पर सिलाई लगा ली। ये हमने यहाँ पर जैसे इलास्टिक डाल लिया है, ये हमारा आसन और ये दोनों इसके हिस्से इस तरह से फुल फ्लेयर में है। इसके बाद हम इस पर पिको करेंगे, तो पिको करने के बाद मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर ये सर्कुलर प्लाजो बना है और एकदम से इक्वली हमारा बनता है। पैसा जैसे कि हम कई बार ये कहते हैं कि एक तरफ से हमारा लटकता है, तो हम इसको इस तरह से करके भी देखते हैं ताकि बड़ा छोटा ना रह जाए, तो उस हिसाब से हम इसको सेट कर लेते हैं। आपने एक कम्प्लीट वीडियो देखी, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।